रजत ने देखा सभी और तारा को एक साथ आया सच सामने। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार के सीरियल में एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जहाँ एक तरफ तो रजत सभी से बहुत ज्यादा ही नाराज है, उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसे लगता है कि सभी भी उसे धोखा दे रही है, आशिका की तरह झूठ बोल रही है उससे। लेकिन क्या पता आखिर सभी उन लोगों से झूठ क्यों बोल रही है, वह क्या कर रही है। लेकिन दूसरी ओर वहीं सभी तारा और जिगर पटेल की मदद करने के लिए सभी झूठ बोल रही है। लेकिन वहीं कहानी में अब देखने को मिलने वाला है कि जब रजत डिसाइड कर लेता है कि वह सभी का सच जरूर पता लगाएगा कि वह कहाँ जाती है और झूठ बोल क्यों रही है, इसलिए जब सभी घर से निकलती है तो उसका पीछा करता है रजत। जी हाँ, रजत अब सभी का पीछा करने वाला है सच जानने के लिए, जहाँ पर वो देखता है कि सभी एक बस स्टैंड पर जा रही है। लेकिन वहां पर जब सभी किसी आदमी से मिलती है तो रजत बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है और उसे उस पर डाउट हो जाएगा, उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह आदमी कौन है। लेकिन उसके बाद जब सभी उस आदमी के बाद तारा से भी मिलती है तो वह बहुत ज्यादा ही शॉक होने वाला है कि तारा यहाँ क्या कर रही है, वो तो कनाडा चली गई थी। लेकिन अब तारा और सभी जब बस में चढ़ रहे होते हैं तभी रजत उन दोनों को बीच में रोक लेता और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो और मेरे साथ चलो। लेकिन उसके बाद रजत को समझ आ जाता है कि सभी ने उसे धोखा नहीं दिया बल्कि रजत ने ही सभी को गलत समझा, सभी तो तारा की मदद कर रही थी। आखिर इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट होने वाला है, क्या होने वाला है, जानने के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।